चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण का प्रचार प्रसार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, कौन हो उनका प्रत्याशी, किसको वोट करना चाहिए, कैसी हो सरकार, इन सभी को लेकर जनता के बीच पहुंची जी मीडिया की चुनावी यात्रा। रोडवेज की बसों में सफर करने वाले शहरी और ग्रामीण से जी मीडिया ने बातचीत की तो हर एक मुद्दे को उठाया गया, हर एक मुद्दा अलग था। वहीं किसी ने देश हित को सर्वोच्च बताया तो किसी के लिए स्थानीय मुद्दे मुख्य रहे। आप भी सुनिए। सर आपको किस तरह की सरकार चाहिए इस देश के? बीजेपी सरकार सर, केंद्र में मोदी सरकार। ये मोदी सरकार ही क्यों चाहिए आपको? नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है उनका काम और विकास देख के ही चाहिए हमें। उनका काम अच्छा है, विकास अच्छा है, देश के हित में है, राष्ट्र हित में है, इसलिए चाहिए। हमारे को बीजेपी चाहिए। क्यों, आखिर बीजेपी क्यों चाहिए? वो हमके रक्षा करते हैं, गरीबों की वो करते हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका विकास करे और सबके बारे में सोचे, स्टूडेंट के बारे में सोचे और किसानों के बारे में भी सोचे। और अभी जो मोदी सरकार कर रही है अच्छा काम कर रही है, जो युवाओं किसानों मजदूरों और सबका विकास करे वैसी सरकार चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार कम हो, सबका विकास हो, वैसी सरकार चाहिए। हम केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ चाहिए, वही सरकार अच्छी है। किसी के जाति भेदभाव और मतदान में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो काम अच्छा करे उनकी सरकार ही अच्छी रहती है। जो देश का विकास करे, देश में शांति रहे और देश की रक्षा कर सके और देश में शांति बनी रहे, ऐसी सरकार चाहिए और देश का विकास होता रहे। हमारा को बीजेपी की सरकार चाहिए, बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे सर। आखिर बीजेपी की क्यों सरकार चाहिए आपको? बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटाई और युवाओं के लिए भी काम कर रही है और सबके किसानों के लिए भी अच्छा काम कर रही है।